1849 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक फ्योदर दस्तोवस्की को मौत की सजा सुनाई गई थी। फ्योदर अपने उपन्यासों क्राइम एंड पनिशमेंट, द इडियट, द ब्रदर्स क्रेमजोव के अलावा अनेक कहानियों और लेखों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। दरअसल फ्योदर को एक भूमिगत संगठन का सदस्य होने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। यूरोप में हुई क्रांति से घबराए हुए जार निकोलस प्रथम हर उस संगठन को शक की निगाह से देखते थे जिससे सीधे तौर पर या उसकी विचारधारा के कारण शाही परिवार को खतरा पैदा हो सकता था। हालांकि बाद में फ्योदर की सजा को कैद में बदल दिया गया और उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया। इन्होंने अपने जेल के कष्ट और पीड़ा को बयान करते हुए अपने भाई को लिखा, यह ताबूत में बंद होने जैसा था। उनके अनुसार हालात ऐसे थे कि कमरे में इतनी जगह भी नहीं होती थी कि लोग घूम पाए। चारों ओर मक्खियां और कीड़े नजर आते थे। 1945 में आज एक दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के गठन का फैसला हुआ था। यूनेस्को का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और समझबूझ को बढ़ावा देना है। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लंदन में 8 यूरोपीय मित्र देशों की बैठक हुई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और सांस्कृतिक संगठन बनाने का निर्णय लिया गया। मित्र देशों की बैठक की छाप 1945 में यूनेस्को के गठन में दिखी, जिसके बाद 16 नवंबर 1945 को एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये देश चाहते थे कि शांति की बहाली के साथ ही वो अपनी शिक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण करें। जल्द ही इस प्रयास में तेजी आ गई और इसने एक वैश्विक रूपरेखा अख्तियार कर ली। इसके बाद अमेरिका जैसे देश भी इसमें शामिल हो गए। अगर संयुक्त राष्ट्र की कोई ऐसी संस्था है जिसकी कार्यप्रणाली पर सबको यकीन है और जिसने सबसे अच्छा काम किया है तो वो यूनेस्को ही है। 1973 में आज ही के दिन बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच के तौर पर अंतरराष्ट्रीय जगत में अपनी पहचान बना चुके पुलेला गोपीचंद का जन्म हुआ था। पिछले 25 सालों से 43 साल के गोपीचंद ने देश को कई बैडमिंटन स्टार भी दिए हैं। इसके साथ ही गोपीचंद ने बैडमिंटन का विंबलडन कहे जाने वाले ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता और ऐसा करने वाले वे प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरे खिलाड़ी बने। गोपीचंद ने 1998 कुआलालंपुर राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत मुकाबले में कांस्य और टीम मुकाबले में रजत पदक अपने नाम किया। ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली सायना नेहवाल और पीवी सिंधु गोपीचंद की शिष्या हैं। गोपीचंद को वर्ष 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न, 2005 में पद्मश्री, 2009 में द्रोणाचार्य और 2014 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। और 16 नवंबर यानी कि आज का दिन हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है।